मैं नेमत खान नेमटेक के जानिब से। मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि डेटाबेस को रिस्टोर कैसे करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं और रीनेम कैसे करते हैं, टेबल को रीनेम कैसे करते हैं, टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं। आइए बताता हूँ। हम जाएंगे सबसे पहले सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के बाद सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के बाद हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अगर आपका ऑथेंटिकेशन होगा तो ऑथेंटिकेशन के तरह कर सकते हैं सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन से। अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो विंडोज से। पिछले वीडियो में बताया था कि विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या होता है और सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन क्या है। तो अभी हम विंडोज ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा सर्वर का नेम है, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ पे देखिए डेटाबेस है। डेटाबेस मैंने पिछले बार जो क्रिएट किया था वो हमारा डेटाबेस है। और अब मैं जो क्रिएट करने जा रहा हूँ ये नया डेटाबेस, तो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका न्यू क्वेरी है। ये अभी हमें क्वेरी के व्याप पे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मैन्युअली बताऊँगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं। ये हमारा क्रिएट के लिए लिखेंगे कमांड CREAT क्रिएट डेटा डेटाबेस। फिर डेटाबेस का नाम रखेंगे। ये मैंने डेटाबेस का अपना नाम रख दिया। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे इसे। ये हमारा एग्जीक्यूट है। ये देखिए मैसेज आ गया सक्सेसफुल कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, यूज करना है डेटाबेस को DB। और ये हमारा डेटाबेस का नाम है, इसे हम यहाँ पे लाया। अभी हमारा जो यूज हो रहा है यहाँ पे देखिए मास्टर हो रहा है। अब हमें यहाँ पे करना है db worker। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो ये अभी ये हमारा सेट हो गया। देखिए यहाँ पे अब जितना भी हम करेंगे, अब जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, नहीं इसका नाम हमें गलत लिखा गया तो इसको हमें दूसरा नाम में चेंज करना है। तो इसके लिए मैं कमांड डालूँगा exe, उसके बाद sp rename db। फिर ओल्ड का नाम ओल्ड डाल दें। ठीक है, ओल्ड डाल दिया। इसके साथ में ऐसे डालते हैं। फिर न्यू डीबी का नाम जो हम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रखेंगे। तो हम कर देते हैं डीबी वर्कर 1। ठीक है, अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए ये हमारा डीबी का नाम चेंज हो गया, डेटाबेस का नाम चेंज हो गया, यहाँ भी साथ साथ यहाँ भी हो गया चेंज। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये भी नाम हमारा अगर गलत हो गया, अब हम चाहते हैं कि डेटाबेस को डिलीट करना है, नया डेटाबेस क्रिएट करना, तो इसके लिए हम कमांड लिखते हैं DROP ड्रॉप ड्रॉप कमांड से। उसके बाद ये जो डेटाबेस अभी मैंने बनाया इसको चला देंगे ड्रॉप। उसके बाद डेटाबेस का नाम यहाँ पे डेटाबेस लिखेंगे डेटाबेस। अभी इसको इस कमांड को चलाएंगे तो खत्म। अभी यूज में हमारा ये बता रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे चेंज कर देते हैं। फिर हम इसको डिलीट ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई वर्कर वन नाम का डीबी वर्कर वन नाम का नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिलीट हो गया। अब हम मैन्युअली डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं ये अब देखते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, उसके बाद राइट क्लिक के पास यहाँ पे देखेंगे न्यू डेटाबेस। यहाँ पे न्यू डेटाबेस पे जब क्लिक करते हैं न्यू डेटाबेस पे क्लिक करते ही फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी वर्क। फिर उसके बाद हम ओके कर देंगे। ये देखिए न्यू डेटाबेस फिर बन गया। फिर यहाँ पे न्यू डेटाबेस बन जाता है। अभी यहाँ पे फिर यूज हो रहा है मास्टर। अब इसको हम मैनुअली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए डी वर्क। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर यूज क्यूरी के भी ऐप पे कर सकते हैं, आपको जैसे बेहतर लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डीबी में बनाना चाहते हैं डेटाबेस में वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल
एम्प्लॉय फिर डबल ब्रैकेट फिर इसके बाद एम्पी आईडी इंट इंट हो गया उसके बाद एम्पी नेम हो गया वी आर कर 50 फिर हो गया एम्पी लास्ट नेम वी आर केयर 50 हो गया सैलरी हो गया पेरो ठीक है ना। ये अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये एग्जीक्यूट करते ही ये हमारा टेबल बन गया। अब हम इसे देखना है कि ये टेबल हमारा बना है या नहीं बना है, तो इसके लिए हम कमांड लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम ठीक है। अब हम इसे सेलेक्ट कर F5 करेंगे फिर तो ही हो जाएगा, ये हमारा टेबल बन गया। अब देखते हैं कि हमारा हमने टेबल बनाया है, इसमें चार कॉलम है, एक कॉलम को और ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कमांड लिखेंगे, तो ये मैं बता रहा हूँ। पहले लिखेंगे अल्टर, उसके बाद टेबल का नाम टेबल, उसके बाद टेबल का नाम टेबल का नाम, उसके बाद ऐड। अब यहाँ पे हमें आ गया ईएमपी एम्प्लॉय एड्रेस, इसको करते हैं VRCHR। अभी देखिए यहाँ पे चार है, अब यहाँ एक कॉलम और बढ़ जाएगा ठीक है। अब फिर हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये देखिए 5 हो गया ठीक है। अब हम यहाँ पे अब जैसे हमने टेबल का तो नाम क्रिएट कर दिया, जैसे हमने देखा था कि डेटाबेस में कि डेटाबेस को रीनेम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नाम रखा है, तो अब हम यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्वेरी लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट, उसके बाद हो गया एसपी स्लाइस अंडरस्कोर, उसके बाद फिर रीनेम। अब इसके बाद रीनेम है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये वाला एम्प्लॉय का नाम, इसके बाद जो नया जो नाम आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं ठीक है। नाम चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर ये कमांड चलाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अपने टेबल का नाम चेंज कर दिया, ये टेबल के अब यहाँ पे एस लगा देते हैं एम्प्लॉय, तो ये चलने लगेगा ठीक है, वो टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप करके देखते हैं कि टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं। अब लिखते हैं DROP ड्रॉप TABLE टेबल, उसके बाद टेबल का नाम कमांड सक्सेसफुली ठीक है। अब देखें यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो एरर आ जाएगा ठीक है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम ठीक है, ये यहाँ पे अब है नहीं। ये तो हमारा मतलब कि इस तरह से कमांड चलाकर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये तो ये टेबल यहाँ पे जो बनाया था ये अब है या नहीं है ठीक है। ये DB वर्कर के अंदर गए, यहाँ पे टेबल बनाया था, टेबल कोई नाम का टेबल नहीं है। अब हम टेबल मैनुअली कैसे बनाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू, उसके बाद टेबल में अब मैंने जो जो कॉलम यहाँ पे रखा था ये देखिए एम्प्लॉय आईडी इसका था डेटा टाइप इंट ठीक है। अब इसको कर दूँ ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ एम्प्लॉय नेम वी आर केयर 50 लिया था
अब मैंने दिया तो यहाँ पे एम्प्लॉय लास्ट नेम बेयर केयर 50, अभी बेयर केयर 50, ठीक है। अब लिया था सैलरी, अब हम यहाँ पे जब सेव करते हैं तो यहाँ पे टेबल का नाम पूछता है, तो हमने पिछले बार टेबल का नाम रखा था EMP LOY EMPLOY नाम रखा था, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया मैनुअली। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये आप देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से रखा है, तो ये एम्प्लॉय आ गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करके देखते हैं, ये टेबल का नाम आ चुका है, टेबल आ गया है। टेबल में देखते हैं हमने क्या क्या कॉलम बनाया है, तो ये हम यहाँ पे जाएंगे, ये हम कॉलम पे। दोस्तों और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं की, इंडेक्स, ट्रिगर, ये सब के बारे में सारे चीज़ बताऊँगा कि ये किस तरह से होता है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर यहाँ पे इस तरह से मैंने टेबल एम्प्लॉय बना रखा, हम यहाँ पे गए एम्प्लॉय बनाया। अगर आपको यहाँ पे भी रीनेम चेंज करना है तो मैन्युअली आप यहाँ पे ऐसे जाएंगे, इस तरह से यहाँ राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा रीनेम, तो मैंने एम्प्लॉय लिखा, यहाँ पे एम्प्लॉयज कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको जैसे मैंने अभी अल्टर टेबल पे यहाँ पे बनाया था कि ऐड एक कॉलम कर सकते हैं, कैसे करते हैं अगर छूट गई है, तो यहाँ पे भी जाकर एक हम ऐड कॉलम कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड एक और ले लेते हैं, EMP ऐड वाली एड्रेस इन वेयर केयर, ये फिर सेव कर दिया, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए एक कॉलम यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा, यहाँ से भी देख सकते हैं एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ से क्रिएट करेंगे। अब ये वाला देखिए कमांड नहीं चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, अभी ये चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें इंसर्ट कैसे टेबल होता है, इंसर्ट करते हैं कैसे रिकॉर्ड को, कोई भी रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करते हैं, पहले देखते हैं क्यूरी के व्याप पे कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू ईएमपी एम्प्लॉय, उसके बाद जो जो यहाँ पे कॉलम का मैंने नाम रखा था वो लेना है, एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद है सैलरी, ठीक है, फिर यहाँ पे लगा देंगे ऑयल। अब यहाँ पे ऑलरेडी वन दे दिया, एम्प्लॉय नाम दे दिया, नेम लास्ट नेम दूसरा नाम दे दिया, सैलरी दे दिया 2000। उसके बाद है यहाँ पे मैंने एक कॉलम छोड़ दिया, EMP एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय एड्रेस यहाँ पे दे दिया नोएडा, ठीक है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, एक रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, एक और क्वेरी है इस तरह से भी चला सकते हैं, इंसर्ट इनटू EMPA एम्प्लॉय, उसके बाद फिर सिर्फ यहाँ पे वैल्यू जो है वैल्यू डाल देंगे, ये
ये जब तब लिखते हैं जब फॉरेंज की प्राइमरी की जब रिलेशन बनता है और जब डेटा को इंसर्ट करते ना होता है तो इशू आता है, और भी एक दो जगह इशू आती है, मैं आगे चलकर इसके इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कितना रिकॉर्ड है। सबसे पहले यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, फिर यहाँ पे जाएंगे, एक इफेक्ट हुआ, अब देखते कितना है। मैंने दो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था तो दो रिकॉर्ड आ गया है, ये सारे ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आईडी एक ही डाल दिया और यहाँ भी एक ही आ गया, लेकिन जब अगर हम प्राइमरी की और फिर हम आइडेंटिफाई कर देंगे आइडेंटिटी की तो 1 1 करेंगे तो हो जाएगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले अब हम ये हमने जो एम्प्लॉय आईडी कर दिया है 1, इसे 2 करना है, तो अपडेट इसके लिए क्यों लिखते हैं अपडेट, उसके बाद एम्प्लॉय, उसके बाद सेट ईएमपी आईडी इक्वल टू 2, वी आर कंडीशन लगाते हैं, वी आर ईएमपी ईएमपी नेम इक्वल टू देखिए, सेलेक्ट करके देखते हैं, ये दो रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब अपडेट क्वेरी के लिए हम चलाते हैं अपडेट, अपडेट, और उसके बाद जो एम्प्लॉय आईडी है अपने एम्प्लॉय आईडी को जो सेट करना है या फिर नाम को सेट करना है तो ये सेट कर सकते हैं, जहाँ पे वियर लगा कर कंडीशन से क्रॉस कर सकते हैं। अगर डिलीट का कमांड चलाना है तो डिलीट के लिए डिलीट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय जो टेबल का नाम है वियर, उसके बाद एम्प्लॉय नेम या फिर एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय आई डी यहाँ पे डाल सकते हैं, ई एम पी आई डी इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ये एक रिकॉर्ड बच रहा। अब हम देखते हैं कि मैन्युअली को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले ये टेबल पे, उसके बाद फिर एडिट रो, एडिट रो पे जाएंगे, यहाँ पे पहला रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिया था, एक रिकॉर्ड को और यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया ललित, यहाँ पे कर दिया कुमार, 2500 ये है नोएडा। ठीक है, इस तरह से आप जितना भी चाहेंगे रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने फिर से क्यूरी चलाकर देखता हूँ कि अब रिकॉर्ड, अभी हमारा रिकॉर्ड 2 दिखा रहा, फिर एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करते ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपडेट का भी क्वेरी चलाएंगे तो अपडेट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे मतलब ललित की जगह पे कुछ और लिखना है तो अपडेट का क्वेरी चलाकर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है,